एक मंदिर में एक ब्राह्मण रहता था जो दिन रात भगवान की सेवा में लगा रहता था। ब्राह्मण की एक पुत्री थी रूपवती। ब्राह्मण रोज सवेरे उठकर भगवान की पूजा पाठ में लग जाता। रूपवती की भी भगवान में बड़ी आस्था थी। बचपन से ही वह भगवान की भक्ति में लगी रहती। भगवान के लिए पुष्प व पूजन सामग्री एकत्रित करना उसी की जिम्मेदारी थी। समय के साथ साथ रूपवती बड़ी हुई। अब ब्राह्मण को रूपवती के विवाह की चिंता सताने लगी थी। ब्राह्मण ने सोचा, क्यों न मैं मंदिर में कथा करना शुरू कर दूं, जिससे कि चढ़ावे में कुछ पैसा आने से मुझे थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी और गांव वालों में भी भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी। बस यही सोचकर ब्राह्मण ने अगले दिन से ही मंदिर प्रांगण में ही कथा करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण का मानना था कि चाहे गांव वाले उसकी कथा न सुने, लेकिन मंदिर में विराजे भगवान तो उसकी कथा सुनेंगे ही। अब ब्राह्मण की कथा में कुछ गांव वाले आना शुरू हो गए। एक दिन गांव का ही एक कंजूस सेठ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करने लगा। तभी उसे मंदिर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने मंदिर की पीछे की दीवार पर कान लगाकर सुना तो मंदिर के अंदर दो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसने बड़े ध्यान से सुना। मंदिर के अंदर भगवान राम और हनुमान जी आपस में बातें कर रहे थे। भगवान राम हनुमान जी से ब्राह्मण की कन्या के कन्यादान के लिए 200 रुपयों का प्रबंध करने को कह रहे थे। भगवान राम का आदेश पाकर हनुमान जी ने ब्राह्मण को 200 रुपये देने की बात भगवान राम को कही। सेठ जी ने जब भगवान राम और हनुमान जी की बातें सुनी तो कथा के बाद वे ब्राह्मण से मिले और कथा से होने वाली आय के बारे में पूछा। सेठ जी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, सेठ जी, कथा में बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, भला इतने कम श्रद्धालुओं में क्या आय होगी। सेठ जी ने ब्राह्मण को आश्वासन देते हुए कहा कि आज कथा में जो भी आय हो वह ब्राह्मण उन्हें दे दे। इसके बदले सेठ जी ब्राह्मण को 100 रुपये दे देंगे। ब्राह्मण को भला क्या ऐतराज होता, उन्होंने सेठ जी की बात मान ली। उधर सेठ जी यह सोच रहे थे कि ब्राह्मण को आज कथा में हनुमान जी 200 रुपये देने वाले हैं, जो मैं ब्राह्मण से ले लूंगा और बदले में उसे 100 रुपये दे दूंगा, जिससे कि मेरी 100 रुपये की कमाई हो जाएगी। शाम को कथा समाप्त होने पर सेठ जी ब्राह्मण के पास आए। उन्हें यकीन था कि आज ब्राह्मण को 200 रुपये की आय हुई होगी। ब्राह्मण सेठ जी को देखते ही सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, आज तो काफ़ी कम भक्त कथा में आए थे, जिससे बहुत ही कम आय हुई है, बस 10 रुपये ही इकट्ठे हो पाए हैं। सेठ अब करता भी क्या, उसने ब्राह्मण को दिए वचन के अनुसार ब्राह्मण को 100 रुपये दे दिए। इस सौदे में तो सेठ जी को नुकसान हो गया। सेठ जी हनुमान जी पर बहुत गुस्सा हुए कि उन्होंने ब्राह्मण को 200 रुपये की मदद भी नहीं की और भगवान को दिया अपना वचन भी पूरा नहीं किया। सेठ जी को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया। वे गुस्से में मंदिर के अंदर गए और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को धक्का दे दिया। सेठ जी ने जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति को धक्का देने के लिए अपना हाथ मूर्ति पर रखा, हाथ वहीं चिपक गया। हनुमान जी की पकड़ से कोई बच सकता है? तभी सेठ जी को फिर एक आवाज सुनाई दी। अब भगवान राम हनुमान जी से ब्राह्मण को 200 रुपये देने के बारे में पूछ रहे थे। भगवान राम का आदेश सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु, 100 रुपये की मदद तो हो गई है, बाकी बचे 100 रुपये के लिए सेठ जी को पकड़ के रखा है। जैसे ही वे 100 रुपये देंगे उनको छोड़ देंगे। सेठ जी ने जैसे ही भगवान राम और हनुमान जी के बीच की बातें सुनी, उन्होंने सोचा, अगर गांव वालों ने देख लिया कि मैं हनुमान जी की मूर्ति को धक्का मार रहा था और हनुमान जी ने मुझे पकड़ लिया है, तो मेरी बहुत बदनामी होगी। बस फिर क्या था, सेठ जी ने हनुमान जी को ब्राह्मण को 100 रुपये देने का वादा किया। हनुमान जी ने सेठ की बात मानकर उसका हाथ छोड़ दिया और सेठ जी ने अपने वादे के अनुसार ब्राह्मण को 100 रुपये दे दिए और सर पकड़कर चलते बने। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, ज्यादा लोभ हमेशा हानिकारक होता है। सेठ को उसके लालच की सजा मिल गई
और ब्राह्मण को उसकी भक्ति का फल। इसीलिए कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।